युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग की ओर से मुख्यालय पौड़ी के संस्कृति विभाग के प्रेक्षागृह में जनपदीय स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पंचायत अध्यक्ष शांति देवी ने किया। जिला युवा कल्याण और प्रांतीय रक्षक दल अधिकारी रविंद्र कुमार सिंह ने कहा कि जिला स्तर पर आयोजित लोकगीत नृत्य और एकांकी नाटक में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले दल प्रदेश स्तर पर भाग लेंगे। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। तो जो ये हमारा युवा कल्याण विभाग है, इस चीज को आगे हमारी नई पीढ़ी को जो ये दिखाना चाह रहे हैं, तो बहुत अच्छी पहल है। यहाँ पर हमारे महिलाएं हर पर उसमें आगे दिख रही है, बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है। मैं सभी महिलाओं को यहाँ पर बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। विगत कई सालों से युवा महोत्सव कराता आया है और युवा महोत्सव में इस बार थोड़ा नई गाइडलाइंस के साथ हमारी टीमें राज्य स्तर में जाएगी और राज्य स्तर के बाद नेशनल स्तर पर जाएगी। इसमें लोकगीत, लोक नृत्य और एकांकी की प्रस्तुति यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा इस बार वर्ष एकल लोकगीत, एकल लोक नृत्य, शास्त्रीय गायन के अलावा बहुत सारी जो व्यक्तिगत इवेंट्स हैं वो की जानी है और इसके तुरंत पश्चात हम वो प्रतियोगिताएं भी यहाँ पर संपन्न कराएंगे।